तो चलो बच्चे, इस वाले प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखते हैं तो एक बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है एक पार्टिकल है, वो ओ, ए पार्टिकल ओ, यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है, प्यारा सा, नन्हा सा, ये वाला जो क्यूट सा है, मास इज अटैच टू ए वर्टिकल रॉड विथ टू इन एक्सटेंसेबल थ्रेड। मतलब वो बढ़ नहीं सकता, अंग्रेजी है, अंग्रेज लोग अंग्रेजी छोड़ के चले गए। तो ए ओ और बी ओ इक्वल लेंथ है एल का। चलो ए ओ और बी ओ इक्वल लेंथ, ये एल है तो ये भी एल है, तो ये भी कह रहा है कि एल ही है, ए बी भी एल ही है, ठीक है ना। तो इफ एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सेटअप ओमेगा, अगर ये पूरी एक्सिस अपने ओमेगा से घूम रही है, तो ये जो छोटा सा प्यारा सा पार्टिकल है वो ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा। तो अगर ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा तो मान लेते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। तो ये टेंशन T1 और T2 की हमें रिलेशन निकालना है कि कौन किससे ग्रेटर होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे ग्रेटर है, तो कंपेयर करते हैं। तो टेंशन को कंपेयर करने के लिए इसका मैं एक अच्छा सा 3D व्यू डायग्राम यहाँ पे कोशिश किया हूँ, आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखो इस वाले जो बॉल, यहाँ पर जो बॉब यूज हुआ है, इस पे फोर्सेस देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों टेंशन ऊपर लगेगा इस स्ट्रिंग में, मैं टेंशन T1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ये वाली, और अगर ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, ये कितना भाई, तो ये पूरा का पूरा एल यूज हुआ है, ये पूरा का पूरा एल यूज हुआ है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा 60, और ये वर्टिकल से हॉरिजेंटल वाली, तो ये 60 है, तो ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो टेंशन का ये वर्टिकल वाली लाइन है। तो अब इस T1 को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले फोर्स देखो, रियल फोर्स देखोगे तो T1 इधर लगा, और दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगता है, तो अपना T2 इधर लगेगा, और तीसरा फोर्स जो है वो वेट Mg है, तो Mg को मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, तो ये Mg नीचे लगेगी। तो कुल मिला के इस पार्टिकल पे तीन रियल फोर्स लग रहे हैं, टेंशन T1, T2 और Mg, और यही सारे मिल के इसको सर्कुलर मोशन करा रहे होंगे। तो सर्कुलर मोशन कराने का मैं आपको सबसे आसान तरीका क्या बताया हूँ, सभी फोर्सेज को रिजॉल्व कर दो एलोंग द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन, और प्लेन में और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो टेंशन तो सर्कुलर प्लेन में नहीं जा रहा, ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन T1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा और T2 को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, जबकि Mg सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको रिजॉल्व नहीं करूंगा मैं। तो टेंशन का T1 का अगर एक कंपोनेंट करूं, तो T1 इधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा जो होगा T1 cos 30, ये बात सबको समझ में आ गया। एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो होगा T1 sin 30, ठीक है। तो ये रहा कंपोनेंट किसका, T1 का। तो T2 का अगर कंपोनेंट करोगे, तो T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा T2 cos 30, ठीक है भाई। ये 60 है, तो ये 90 है, तो ये भी तो 30 होगा, तो ये एंगल 30 ही होगा। तो ये और एक कंपोनेंट Mg की डायरेक्शन में जाएगा, जिसका नाम होगा T2 sin 30। तो इस बॉब पे कुल मिला के अगर देखोगे, तो इस बॉब पे वर्टिकल में लगा एक ही फोर्स लगा, T1 sin 30, और वर्टिकल अपवार्ड और वर्टिकल डाउनवार्ड दो लग गए। कौन कौन से लग गए भाई, एक Mg लग गई, एक लग गया T2 sin 30, ठीक है। और सर्कल के सेंटर, जिस सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल में सेंटर की तरफ जो फोर्स आए वो बेसिकली दो आ गए। कौन कौन से भाई, एक है T1 cos 30 और एक है T2 cos 30, ठीक है बस। तो ये जो सर्कल के सेंटर की तरफ आ रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, सर्कुलर मोशन कराएगा, और जो वर्टिकल में आ रहा है उसके वर्टिकल में इसको बॉब को बैलेंस करेगा। तो कुल मिला के अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो T1 sin 30 मस्ट बी इक्वल टू T2 sin 30 और प्लस Mg। तो ये इक्वेशन मुझे फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन प्यारा सा मिला, T1 cos 30 प्लस T2 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू Mg
आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का अभी मुझे कोई यूज तो फिलहाल नहीं है दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले को यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का यूज करेंगे तो टी वन साइन 31/2 माइनस टी टू साइन 31/2 दैट इज मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम जी। तो ये हमारे पास टी वन और टी टू में रिलेशन आ गया। तो और टी वन और टी टू में अगर रिलेशन इतना आ गया तो इसका मतलब टी वन मस्ट बी ग्रेटर देन टी टू, और कितना ग्रेटर है, डेल्टा टी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 mg। तो इन दोनों टेंशन में 2 mg का डिफरेंस आएगा और टी वन ज़्यादा होगा। मतलब टी वन कौन सी स्ट्रिंग थी, देखो यहाँ पे टी वन जो है वो ए ओ स्ट्रिंग थी। तो टेंशन इन टू थ्रेड बी टेंशन इन थ्रेड ए ओ इज ग्रेटर। तो अगर तुम देखोगे तो टेंशन ही जो ए वाला थ्रेड है उसमें ज़्यादा टेंशन आएगा, ये बात सही है। टेंशन इक्वल नहीं होगा, टेंशन इन एन बी इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू द ओमेगा इज क्लॉक वाइज में। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो कुल मिला के यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।